हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग सीखने वाले क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का 7 और 8। क्या बोल रहा है सवाल में? एक एपी में 7 नंबर में क्या दिया हुआ है? ए बराबर 8 है, फिर ए एन बराबर 62 है और एस एन बराबर 210 दिया है। एन और डी ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों को एक एक करके हल करते हैं। जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। देखिए, जो सवाल में दिया हुआ था उसको लिख लिए। अब देखिए आगे बनाते हैं। पहले एस एन लेके चलेंगे, बराबर कितना है? 210। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल। एल देखिए, ए एन को एल भी बोला जाता है, बराबर 210। तो n का मान नहीं मालूम, n बटे 2 इंटू ए का मान कितना है? 8 जोड़ l का मान यहाँ पे 62, बराबर 210। n बटे 2 यहाँ पे जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 70, बराबर 210। 2 से कटेगा कई बार में? 35 बार में। इधर गुना है ई, तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। एन बराबर 210 बट्टे 35 कई बार में कटेगा? ई 6 बार में कटेगा। एन बराबर कितना निकल गया 6 आंसर। और सवाल में क्या निकालने बोल रहा है? देखिए, डी बराबर भी निकालने बोल रहा है। तो ए एन का फॉर्मूला लेके चलेंगे। ए एन बराबर कितना दिया हुआ है? 62। तो इधर फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ए का मान कितना है? 8 जोड़ एन का मान कितना है? 6 माइनस 1, डी का मान नहीं मालूम, बराबर 62। ये 8 को इधर दाहिने साइड टपा देते हैं, यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा? 5d बराबर 62 माइनस 8। 5d बराबर घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 54। इधर गुना है 5, तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। d बराबर 54 बट्टे 5, यही आंसर हो गया। अब 8 नंबर सवाल में चलते हैं। देखें यहाँ 8 नंबर सवाल में क्या क्या दिया हुआ है? ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर माइनस 14 दिया है। एन और ए ज्ञात कीजिए। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। देखिए, लिख लिए जो दिया हुआ था। अब ए एन को लेकर चलेंगे। पहले ए एन बराबर 4, तो फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ए का मान नहीं मालूम, प्लस एन का मान भी नहीं मालूम, माइनस 1, यहाँ डी का मान कितना है? 2 बराबर 4। ए प्लस ये 2 को इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n माइनस 2 बराबर 4। ए प्लस 2n इसको दाहिने साइड टपाते हैं, 4 जोड़ 2। ए प्लस 2n बराबर जुटेगा तो 6a बराबर 2n को इधर दाहिने साइड टपा देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2n प्लस 6, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब और क्या निकालने बोल रहा है? देखिए, sn को लेके चलते हैं। कितना है sn का मान? माइनस 14। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस 14, एन का मान नहीं मालूम, एन बट्टे 2, 2, ए का मान यहाँ कैसे लिखे हैं? इसको लिखेंगे ए के जगह पे, माइनस 2n जोड़ 6 जोड़ एन का मान नहीं मालूम, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 2 बराबर माइनस 14।
यू उधर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं इसको, एन इंटू ई दू अंदर घुसेगा गुना में तो क्या हो जाएगा, माइनस 4n जोड़ 12, फिर इधर ई दू को इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2n माइनस 2 बराबर, 2 इधर गुना में आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 28 एन इंटू, यहाँ पे माइनस 4n है, यहाँ प्लस 2n है तो यहाँ घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2n, यहाँ पे घटेगा फिर तो कितना हो जाएगा, प्लस 10 बराबर माइनस 28। ई एन को अंदर घुसा देते हैं गुना में तो क्या हो जाएगा, माइनस 2n स्क्वायर जोड़ 10n इधर बराबर माइनस 28। ई माइनस 28 को इधर लेफ्ट साइड कर देते हैं, माइनस 2n स्क्वायर जोड़ 10n इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 28 बराबर 0। इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर यहाँ पे माइनस आ जाएगा 10n और यहाँ माइनस 28 बराबर 0। इधर माइनस गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा तो ई तो ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 बराबर 0। अब देखिए इसमें दो कॉमन है तो दो कॉमन लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा n स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा, दो बाहर निकालेंगे 10 में तो 5n, यहाँ कितना बचेगा 14 बराबर 0। इधर 2 गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा तो ई 2 भी ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। n के सामने वाला को क्या बोलते हैं, a बराबर 1। इसके बाद यहाँ ई एन के सामने वाला को क्या बोलते हैं, b बराबर कितना है, माइनस 5। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, c बराबर माइनस 14। अब d बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है, माइनस 5 कई स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 है, सी का मान यहाँ 14 है माइनस, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो ई माइनस री माइनस माइनस प्लस, 14 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाता है, 56 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 81। 0 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक एवं असमान। तो यहाँ x बराबर फॉर्मूला लगाएंगे क्या हो जाता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टे 2a। इसमें मान रखेंगे, अब b का मान कितना दिया हुआ है, 5, तो यहाँ माइनस फॉर्मूला का है, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान कितना निकालें, 81 बट्टे 2, ए का मान कितना है, 1, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा काहे कि माइनस 5 बी का मान दिया हुआ है और ये फॉर्मूला का माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस, इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाता है, 9 गुना 2। इसको अलग अलग करेंगे, प्लस वाले को अलग और माइनस वाले को अलग करेंगे, अल्फा बराबर लिखेंगे 5 जोड़ 9 बट्टे 2 बराबर, जुटेगा तो कितना होगा, 14 बट्टे 2, 2 से कटेगा 7 बार में 7। इसके बाद बीटा बराबर माइनस वाला ले आएंगे, 5 माइनस 9 बट्टे 2 बराबर, घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 बट्टे 2, 2 से कटेगा 2, यह हो जाएगा माइनस 2।
ये दोनों आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों।